हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब खैरियत से। अगर मिला चिल्लम चिल्लाम कर रहे होंगे, नहीं भी करो करो भरोसे वाला। तो आज हम लोग बात करेंगे द ग्रैंड शाहरुख खान के बारे में, भाई की मूवी की सबसे बड़ी मूवी जो है 1000 करोड़ वाली, वो है पठान। और उसके बाद अगर हम किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1500 करोड़ मार सकते हैं, 1600 करोड़ मार सकते हैं, तो वो है पठान 2, जवान 2। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो थोड़ा मार देना चाहिए, वही शाहरुख खान ने की है। पठान इतनी बड़ी सक्सेस होने के बाद उन्होंने फ़ौरन से पठान 2 पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और शाहरुख खान की पठान बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सारी चीज़ों पर काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, और प्री प्रोडक्शन पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और भाई आपको पता है, फिर ऐसे YF मूवी लेकर आता है, क्योंकि YF की पठान के अलावा बाकी सारी मूवीज डिज़ास्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एवरेज हिट हुई है टाइगर 3 भी। तो अब देखना ये होगा कि YF को ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पठान 2 की डायरेक्शन से निकाल दिया। अभी उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है, जितने भी सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि भाई पठान 2 को डायरेक्ट कभी भी नहीं सिद्धार्थ आनंद करेंगे, बल्कि कोई नया डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करेगा। ये तो YF की पहले भी रीति रही है कि वो जो भी कोई फिल्म बनाता है अगली दफ़ा उसका डायरेक्टर चेंज हो जाता है, ऐसा तो चलता रहता है। तो क्या ये डिसीजन ठीक था? ये डिसीजन तो आप देखेंगे ठीक है या गलत है जब अगले डायरेक्टर का नाम सामने आएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये साउथ इंडस्ट्री से डायरेक्टर है। जब से मैंने ये सुना है भाई, और दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि जिस तरह से साउथ से एटली ने शाहरुख खान को प्रेजेंट किया है ना भाई, किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया शाहरुख खान को उस तरह से। तो क्या ये कोई बड़ा डायरेक्टर अगर वहाँ से उठा लेते, लेकिन ये मुद्दा कन्फर्म है कि एटली नहीं है, उनके अलावा कोई होगा। तो भाई अटली के अलावा और कौन कौन डायरेक्टर पीछे बच जाता है? शंकर बच जाता है, सुकुमार बच जाते हैं, लोकेश कनकराज बच जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर अगर इनमें से एक बंदा भी साथ में आकर काम कर जाता है, तो भाई मूवी की हाइप कहाँ जाएगी? साउथ से लेकर नॉर्थ तक मूवी की हाइप ही आएगी। फिर इस मूवी को इंडिया में 1000 करोड़ कर सकती है। फिर ये मूवी अगर साउथ और वेस्ट नॉर्थ में बराबर की इसकी होना फैन फॉलोइंग, तो भाई फिर मूवी कर सकती है। क्योंकि इंडिया सॉरी हिंदी के अंदर सिर्फ 500 करोड़ अगर मूवी करती है, तो तमिल में से भी अगर 500 कर जाए, तो भाई फिर तो हेटर्स की गांड क्या ऐसे कुआं हो जाएगा कसम से, और मज़ा आ जाएगा। तो ये सारे सीन है भाई, पठान 2 का डायरेक्टर कंफर्म न्यूज़ है, चेंज हो चुका है, और शाहरुख खान की पठान 2 बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि YF और आदि चोपड़ा जो है ना, वो पठान 2 को जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं। अभी इसके विलन में रूमर्स बॉबी देओल की भी आ रही है, लेकिन भाई ये बॉबी देओल को ना लेके आना, किसी और को लेके आना, साउथ से लेके आना, नॉर्थ से लेके आना, कुछ एक माचो टाइप होना चाहिए बंदा कि भाई नहीं ये फाड़ देगा, ये भाई की भी फाड़ देगा, ऐसा लगना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि साउथ से विलन होना चाहिए और कहीं से नहीं होना चाहिए, और बवाल किस्म का विलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे अटली ने जवान के अंदर विजय सेतुपति को बिल्कुल ही नल्ला दिखा दिया, ऐसा नहीं, पठान के अंदर दिखाया तो जैसे जिम को दिखाया था पठान के अंदर, वैसे ही पठान 2 के अंदर कोई ऐसी तरह का विलन आना चाहिए, शाहरुख खान को भी पढ़नी चाहिए और मज़ा आना चाहिए। तो डायरेक्टर फिलहाल चेंज हो चुका है, बाकी इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो भाई को शेयर की जाएगी। बाकी आप लोगों से वैसा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नेक्स्ट बड़ा। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।